वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कहते हैं कविता किसी भी बात को, अंदाज को या जज्बात को बयान करने का बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरीका होता है, फिर चाहे बात प्यार की हो या फिर सामाजिक सच्चाई की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी कविता आई थी जो बड़े और कड़े सवाल उठाती है हमारे ही और आपके बीच के। उस कविता को लिखा था, रचा था और गढ़ा था और पढ़ा था नवीन चौरे ने। चौरे हमारे साथ हैं और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली के IIT से इन्होंने पढ़ाई की है और आज हम लोग IIT दिल्ली के कैंपस में ही हैं। तो उस कविता का नाम था वास्तविक कानून, जो मॉब लिंचिंग से लेकर हमारे समाज के इर्द गिर्द फैली हुई तमाम सारी चुनौतियों और समस्याओं पर बात करती है। वो कविता वास्तविक कानून आखिर आई कहाँ से और इनका IIT से एक कवि बनना कैसे संभव हुआ? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता.com में नवीन। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने IIT दिल्ली से किस चीज़ में पढ़ाई की है? जी, मैं IIT दिल्ली से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी। खैर उसमें मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन अच्छा। जैसे जैसे डिग्री ख़त्म कर ली है तो 2015 में मैं पास आउट हो गया था और उसके बाद से फिर मैं कविता नहीं। तो IIT आना आपका खुद का फैसला था कि परिवार वालों का दबाव? परिवार वालों का दबाव भी खैर नहीं कह सकते, उनको तो भरोसा नहीं था कि एक्चुअली हुआ ये था। 12th तक मुझे NDA में जाना था, मुझे डिफेंस का काफ़ी शौकीन था, कुछ रीज़न से नहीं जा पाया। हाँ। तो फिर घर वाले कहने लगे कि इंजीनियरिंग में जाओ। हाँ। इंजीनियरिंग में वो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है PET, हाँ, वो दिया तो उसमें भी अच्छे नंबर नहीं आए, तो वो कह रहे थे कि कोई भी कॉलेज ले लो। तब मुझे लगा नहीं, मेरी ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं हो सकती, मैं इससे तो कुछ कर लूँगा। मैंने कहा मुझे ड्रॉप लेना है। मेरे पिताजी ने खैर काफ़ी दिन तक मना किया, सारे घर वालों ने मना किया। मैंने जैसे तैसे लड़ाई करके मैंने ड्रॉप लिया इंदौर से रैंकर्स पॉइंट, और फिर एक साल मैंने पढ़ाई की और उसके बाद जे क्लियर हो गया तो फिर मैं दिल्ली आ गया। अच्छा, तो दिल्ली आकर फिर IIT में आपने क्या किया? IIT में कोर्स किया, पढ़ाई की, और उस दौरान कविताओं के साथ आपका कनेक्शन और अफेयर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, लोग जानना चाहते हैं। जैसे ही मैं IIT आया, उसके फर्स्ट ईयर में ही मेरा जो हमारा कल्चरल फेस्ट होता है उस गोंदू, उसके लिए नुक्कड़ नाटक की टीम बन रही थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और बहुत पहला दूसरा ही मन था। तो फिर हम लोग सुबह 4 बजे तक प्रैक्टिस करते थे और सारी क्लासेस, फिर दिन भर सोते थे तो क्लासेस छोड़ा देते थे। तो उस चक्कर में मैं पहले साल तो सिर्फ स्ट्रीट प्ले करता रहा और नुक्कड़ की तरफ इतना ध्यान था कि पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया। तो फिर उसके बाद फिर कभी मौका ही नहीं मिला, मैं फिर पूरे टाइम नुक्कड़ ही किया, फिर पढ़ाई की तरफ कभी ध्यान नहीं गया। तो बस उसी दौरान फिर कविताओं का थोड़ा सा शौक लगा। लिखता तो पहले भी था, मतलब कुछ तुकबंदी करता था, यहाँ पे लोगों को अच्छी लगी तो उन्होंने नुक्कड़ नाटक में जो कविताएं होती हैं, पैरोडीज होती हैं, गानी होती हैं, सबको बार बार इस बातचीत में कविता का जिक्र आ रहा है। नवीन, ये बताइए कि आपके घर वाले इस बारे में जानते हैं कि आप कविताएं लिखते हैं, और आपका जो अभी हाल में वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में उन्हें पता है? हाँ जी, कुछ समय पहले से, क्योंकि मैं जैसा मैं बता चुका हूँ कि 2015 से मैं करीबन कविताओं की तरफ झुका हुआ हूँ। अच्छा। तो तभी से घर वालों को मना भी रहा हूँ कि मुझे आर्ट परस्यू करना है। माना कि मेरा साइंस भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा चॉइस इस तरफ। हाँ। तो फिर काफ़ी दिन तक तो उन्होंने मना भी किया, जैसे जैसे मना रहे हैं तो आजकल मेरे पिताजी ने फेसबुक भी डाउनलोड कर लिया है तो उस पर वीडियोज देख लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं, तो अब तो खैर उनको काफ़ी खबर है। इस वक्त तो उनको काफ़ी पता है कि ये जितना हो रहा है, और खासकर आजकल जब इंटरव्यू होने लगे हैं तो वो खुद हैरान है कि कविता का इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। अच्छा, वास्तविक कानून जो कविता आपने लिखी है, रची है, गढ़ी है, पढ़ी है, ये कब लिखी आपने? जी, ये मैं कह सकता हूँ कि करीबन 2017 के एंड की तरफ, 2018 के एंड की तरफ, 17 के एंड। कहाँ से इसकी उपज हुई, कैसे निकल कर आई अंदर से? कोई एक चीज़ नहीं होती है, एक पौधा होता है जो बचपन से आपके अंदर भर रहा होता है। और एक दिन, उससे पहले तक मैं बहुत सारी कविताएं भी लिख रहा था जो कि मेरा पसंदीदा विषय है। मैं आत्मपरक कविताएं, आत्मचिंतक कविताएं लिखना पसंद करता हूँ। तो उससे पहले तक मैं उन्हीं आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस जैसे सवालों पर कविताएं लिख रहा था, लेकिन तब एक दिन मैंने डिसाइड किया, बस एक बहुत छोटा सा डिसीजन था कि अब मुझे सोशल कंसर्न्स पे लिखना है, क्योंकि मेरी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होनी चाहिए। तो पहला जो सबसे ज्वलंत मुद्दा लगा, मुझे लगा कि जिसकी सबसे पहले बात होनी चाहिए, अगर क्योंकि मेरा वॉइस के अलावा भी फिर मैंने इसके बाद काफ़ी सामाजिक विषयों पर कविताएँ लिखी, तो लेकिन पहला जिसके मुझे लगा था कि बात करने की इजाज़त तो सबसे पहले मिले,
उसके बाद बात क्या करनी है वो देखेंगे। तो आपको लगता है कि वाकई में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं? तेजी से बदलना तो मुझे नहीं लगता, नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी कविताओं में उस बात को, वही मैं कह रहा हूँ, वो तेजी की बात नहीं है, वो बचपन से मैंने जो देखा है उसकी तरफ का है, वो किसी एक धर्म विशेष या किसी भी चीज के विशेष में नहीं है, वो सिर्फ कानून हाथ में लेने की बात है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत आसानी से भी चीजें समझाई जा सकती है, वो कविता का अगर आप मर्म समझना चाहें कि यही बात बहुत आसानी से बैठ के टेबल पे की जा सकती है, जमीन पे बैठ के की जा सकती है। जैसे कि मैं एक बार दिवाली का दिन था, उसके बाद हम लोग घर आ रहे थे, तो रात में मुझे माँ को कुछ खाना पैक करना था, उसके लिए उन्हें डब्बे लेके आने थे जो मिठाई के डब्बे थे, मैं लेने गया। मेरी आदत है मैं स्कूटी चलाते हुए गाना गाते हुए अपनी कविताएं करते हुए जा रहा था। रास्ते में घर के बिल्कुल पास में कुछ एक पिंटू राजपूत नाम का एक प्राणी रहता है, और वो लोग, उनके कुछ चार पांच लोग दोस्त लोग बैठ के दारू पी रहे थे, गाड़ी पे खड़े के दारू पी रहे थे। मैं उनको, मेरी इस बात से काफ़ी दिन से तकलीफ होगी जैसा उनके लगा कि ये, काफ़ी दिन से उनको इस बात से तकलीफ थी कि ये ऐसे गाते हुए क्यों निकलता हमारी गली से। ये बात वो मुझे कह देते कि ऐसा मत कर, तो मैं नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने एक दिन मुझे रोका, हाथापाई की और इस तरह से समझाया कि ये मत किया। तो इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर हम इंसान की तरफ, अगर हम इंसान हैं तो हम बैठ के एक दूसरे को बोलते हैं हमें इस चीज़ से शिकायत है, हमें उस चीज़ से शिकायत है, अगर आप थोड़ा ये ठीक कर लो, आप थोड़ा वो ठीक कर लो, तो साथ में रह लेंगे। तो उस चीज़ की वो है कविता का मर्म कि हिंसा करने की ज़रूरत क्यों है जब हम बात कर सकते हैं। हाँ, हिंसा करने की ज़रूरत क्यों है जब हम बात कर सकते हैं। तो हम उसी पीस पर आते हैं। नवीन, हमारी गुजारिश रहेगी कि आप उस कविता को थोड़ा सा हमें ज़रा सुनाएं। नाम है वास्तविक कानून। एक सड़क पर खून है, तारीख तपता जून है, एक उंगली है पड़ी और उस पे जो नाखून है, नाखून पे है एक निशान। अब कौन होगा हुक्मरान, जब चुन रही थी उंगलियां, ये उंगली भी तब थी वहां। फिर क्यों पड़ी है खून में, फिर क्यों पड़ी है खून में, जिसमें इसका है कहां, मर गया के था ही ना। कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां, कोई अफसर था पुलिस का, कोई अफसर था पुलिस का, न्यायाधीश आए थे क्या, कौन करता था वकालत, फैसला किसने दिया, या कोई धर्मात्मा था, धर्म के रक्षक थे क्या, धर्म का उपदेश क्या था, कौन थे वो देवता। ना पुलिस ना पत्रकार, नागरिक खून जिम्मेदार, मेरे सीधे प्रश्न है, सीधा उत्तर दो मुझे, है सड़क पर खून क्यों, वो लोग आखिर कौन थे। आदमी छोटे हैं साहेब, आदमी छोटे हैं साहेब, हम कपड़ते बीच में, हम बचाने भी गए थे, तीन पड़ गए खींच के, मोटरसाइकिल लाए थे, रोड पे कर दी खड़ी, आठ दस लौंडे लपाड़े, लाठियां इतनी बड़ी, गाली दे के नाम पूछा, पेट में घुसा दिया, अधमरा वो गिर पड़ा, फिर दे दना दन लाठियां, पांव की हड्डी मिटा दी, साफ मांस की लुगदी बना दी, खून तो इतना वहा हमसे देखा ना गया, सब सब एक उनमें होश में था, जाने उसको क्या पड़ी, जेब से चाकू निकाला, उंगली उसकी काट ली, आखिरी था बार जिसका, उनका वो सरदार था, उसने ही सबको बताया जो मरा गद्दार था। हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर, दीमकों को ना रखो गर जूतियों की नोक पर, सर पे ये चढ़ जाएंगे, ये कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरा होगा इन्हीं का, आग मूतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। हम तो खुद डर गए थे साहेब, हम तो खुद डर गए थे साहेब, खौफ उनको था नहीं, किस नस्ल के लोग थे वो कुछ समझ आया नहीं, ना कोई इंसान उनमें, ना कोई था आदमी, साथ मिलकर शेर बन गए, गिद्धों की भीड़ थी, नोच खाने की तलब थी, जानवर तासीर थी, हाथ में थी लाठियां, तो भैंस भी उनकी ही थी, और ये कोई जुमला नहीं है, वास्तविक कानून है। अरे हमसे काहे पूछते हो क्यों सड़क पर खून है, पूछो इस उंगली से तुम, क्या यहां घटना घटी, जुर्म इसने क्या किया था, जिस्म से ये क्यों कटी। मैं तो समझा मर चुकी है उंगली में, पर जान थी स्याही उस नाखून पे, जो देश का सम्मान थी, बोली अब क्या चाहिए, बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया, जी रहे थे कैद में, मौत दे दी शुक्रिया, नाखून पे जमहूरियत है, जम गया है खून भी, अरे आप ही तो हो अदालत, आप हो कानून भी, आपसे कैसी शिकायत, आप तो है नींद में, आप जैसे 100 खड़े थे जाहिलों की भीड़ में, 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही, आपको मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को। कीजिए इस पर बहस अब पैनलों में बैठ कर, क्या हुआ मोहन का वादा है कहाँ अम्बेडकर, सब बराबर हैं अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना, तुम बताओ कौन देगा घर को मेरे रोटियां, असलियत से बेखबर हो शहरी हो दिल्ली से हो, तुम असलियत से बेखबर हो शहरी हो दिल्ली से हो, एक हिदायत दे रहा हूं सोचकर बोला करो, तुम सवालों से भरे हो क्या तुम्हें मालूम है, भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है,
तफ्तीश करने आए हो खुल के कर लो शौक से, फर्क पड़ता ही कहाँ है एक दो की मौत से। चार दिन चर्चा उठेगी डेमोक्रेसी लाएंगे, पांचवे दिन भूल के सब काम पे लग जाएंगे। काम से ही काम रखना, काम से ही काम रखना, हाँ मगर ये याद रखना, कोई पूछे कौन थे बस तुम्हें इतना है कहना, भीड़ थी कुछ लोग थे। फिर बगैर कोई जिद पकड़ ले क्या हुआ किसने किया, सोच के उंगली उठाना, कट रही हैं उंगलियां। बात को कुछ यूं घुमाना, नफरतों का रोग थे, धर्म ना कोई जात उनकी, भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ थी कुछ लोग, भीड़ कुछ लोग। इसमें दर्द भी था, आह भी थी, कसक भी थी और मर्म भी था। सारी बातों को नवीन ने इस कविता में जिस तरह से पिरोया है, और उससे खास बात है कि जिस तरह से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है, वो बड़ी बात है। तो नवीन, आमतौर पर हम लोग कविताओं में, काव्य पाठों में या फिर कविताओं को जब भी सुनते हैं तो वो लय में होती हैं, लेकिन आपने इस वास्तविक कानून को एक अलग ही लय में ढाला है। इसमें मर्म भी है, इमोशंस भी हैं, आह भी है, इन सबको पिरोने का कहाँ से? जी वो तो अब कविता का शिल्प है, अब वही कि ये तो वही बात हुई कि पेंटिंग में ये वाला कलर क्यों यूज किया, वो उस पेंटिंग में अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ये वाला जो लय है, जिस ध्वनात्मकता की आप बात कर रहे हैं, जो लय है वो इसके लिए अच्छी थी। उस लय में कविता है असल। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं लय की कविताएं क्या होती हैं, जो नाद की कविता होती हैं, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते थे, मेरे फेवरेट कवि, अगर आप कुछ लोग पूछ रहे थे मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरे फेवरेट पोएट हैं आदिगुरु शंकराचार्य। उन्होंने जिस तरह से ध्वनि को पकड़ा है वो अद्भुत काम। आपको उनकी कविताएं कुछ 1500 सालों से चल रही, मतलब नहीं पता है किसी को, मैं सुनाऊंगा मेरे को भी मतलब नहीं पता, लेकिन याद है क्योंकि समझ में सबको आता है और आपको भी वही समझ में आएगा जो मुझे समझ में आया। जैसे उन्होंने जब वो अर्धनारीश्वर स्वरूप की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, तो शिव तांडव स्त्रोत जो लिखा हुआ है वो शंकराचार्य जी ने लिखा, वो लिखते हैं, जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डे मड्डे मड्डिन डमड्डे मड्डे मड्डिमन्नी नाद वड्डे मरवयम चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ये जब वो आधनारेश्वर की बात करते हैं, जब वो अंबे स्वरूप की बात करते हैं, नारी स्वरूप की बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि हई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनि विष्णु विनोदिनी नंदिनुते, गिरि वरविंद शिरोदिनि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेषिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शालसुते। तो इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन समझ में हम सबको आएगा क्योंकि इस ध्वनि के अंदर। जैसे जब वो नर्मदा की बात करते हैं, नर्मदा तक जब वो लिखते हैं, सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम दुसत सुपाप जात जाति कारि वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे तोदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अब इसको सुन के आपको नदी की ही फील आएगी क्योंकि ये नदी का एसेंस, आप आभास कर लेंगे उसका, आभास कर लेंगे। तो नवीन, देखिए एक बहुत खास बात ये भी निकल कर आ रही है कि नवीन ना केवल सामाजिक मुद्दों पर, बड़े और कड़े मुद्दों पे, शेरो शायरी पर जानकारी रखते हैं, पकड़ रखते हैं, नाटक पे पकड़ रखते हैं, बल्कि आदि शंकराचार्य संस्कृत और कड़े श्लोकों, जो बहुत सारे लोग आमतौर पर समझ भी नहीं पाएंगे, उनको भी मुँह जुबानी यूँ सुना दें, जिसका नमूना इन्होंने पेश किया था। आगे बढ़ते हैं नवीन, आने वाला जो कविता का दौर है और आपके जैसे जो सेमी अर्बन और अर्बन शहरों में जो उभर रहे नए कवि हैं, उनके लिए आप कैसा करियर देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं, कैसी संभावनाएं देखते हैं? संभावनाएं तो खैर हमेशा ही रहती थी, हमेशा से ही थी, किसी हर दौर में किसी ना किसी तरीके से। इस वक्त का दौर जो वो बदला है, देखिए कि ये बात समझने की होती है कि हम किस दौर में इन्फॉर्मेशन किस तरह से आ रही है। जैसे एक दौर था जब टेलीविजन इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा माध्यम, ठीक है, उसके थ्रू जाते थे हम दूरदर्शन पे, लोग बैठ के न्यूज़ सुन रहे होते थे कि अभी 8 बजे न्यूज़ आने वाली। अब हमारा जो इन्फॉर्मेशन का दौर है, एक समय ना रेडियो का था, उससे पहले न्यूज़पेपर तो खैर हमेशा थोड़ा थोड़ा रहा, एक ज़माने पे अगर आज़ादी के टाइम देखें न्यूज़पेपर बहुत बड़ा जरिया था इन्फॉर्मेशन का, अभी इंटरनेट है वो जरिया। तो किसी भी आर्ट फॉर्म को उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा, अगर चीज़ें नहीं बदलेंगी, कोई भी चीज़ डायनेमिक नहीं है तो वो जो भी उभर नहीं है, जो भी डायनेमिक नहीं है वो मृत हो चुका, वो मर चुका है। तो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनिक होता रहे। तो मुझे लगता है कि कविता भी अब उस तरह से इवॉल्व कर रही है कि लोग उसको वीडियो फॉर्म में कंज्यूम कर पाएँ, तो उसके लिए नई नई चीज़ें उभर रही हैं और बहुत सारे वेन्यूज हैं। मुझे लगता है कि सोसाइटी में एक तरह से कविताओं की, आर्ट की तरफ और खासकर कविताओं की तरफ एक रुझान बढ़ा है, युवा का, युवा एक नई समझ देखना चाहता है,
और वो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि एथिकल एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कहीं से नहीं आ रही है। जो कविताओं पे, अगर आपको सिर्फ कविताएं याद हैं, कुछ कविताएं याद हैं, तो आप बुरे आदमी बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो कविताओं की समझ तो रहेगी, वो आपको करने नहीं देगी, वो एक एक एंटिटी है जो आपके अंदर रहती है। तो कविताएं उभर रही हैं, नए लोगों को मैं कहूँगा कि बहुत दिल लगा के लिखें, ये मत सोचें कि इसे बेचेंगे, इसे कौन देखेगा, इस ये ज़रूर सोचिए कि इसे कौन लिख रहा है, और ख़ुद की इज्जत रखिए कि जो आपको जिस पे आप खड़े होकर ताली बजा सकते हैं, सिर्फ उसी को कहिए कि वो कविता है, अदरवाइज़ वो आप अपनी डायरी में रखें, अपने दोस्तों को सुनाएं, वो बहुत वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक कवि के तौर पे कविता लिखें कि आप किसी का वक्त ले रहे हैं ज़िंदगी में, उसे वो 5 मिनट देगा, 5 मिनट से ज़्यादा वक्त से ज़्यादा कीमती कुछ हो ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वो जब दे रहा है आपको वक्त, तो उस जगह पे आप उसको वर्थ इट करें, वो 5 मिनट उसको लगे कि हाँ मैंने वेस्ट नहीं किया। तो ऐसा कुछ था नवीन का कहना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।